हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम अलग अलग सेशन लेके आएंगे अलग अलग क्लासेस के लिए, तो आज का जो हमारे सेशन होने वाला है ये क्लास 11th के लिए होगा और 11th क्लास में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। उसी के अंदर जो एक बुक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसी के अंदर जो लेसन नंबर 1 है या चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। और हमारा ये जो लेसन होगा ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट को हम आज डिलीवर कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है सेकंड वो बाद में होगा। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो सबसे पहले जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स क्या होती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग से ही जो ह्यूमन का नेचर होता है, मनुष्य का जो नेचर होता है वो हमेशा से ही ऐसा रहा है और रहा है और अभी भी है और आगे भी होगा कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा से ही अनलिमिटेड होती हैं। इच्छाएं हमारी अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्या हैं हर इंसान के पास, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, जितनी उसकी इच्छाएं हैं उससे हमेशा कम ही उसके पास जो है रिसोर्सेज होते हैं। तो लिमिटेड तो उसके पास रिसोर्सेज हैं, इच्छाएं और क्या नाम है वॉन्ट्स उसकी जो है वो अनलिमिटेड है। तो उसके सामने जब ऐसी कंडीशन आती है तो समस्या तो पैदा होती ही है। जब किसी की, हमें मान लो 100 रुपये की ज़रूरत है और हमारे पास हैं रुपए 50, तो 50 रुपये जो हमारे पास कम है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने समस्या पैदा करता है। तब हमारे दिमाग में यही आता है सबसे पहले कि यार ऐसा क्या किया जाए कि हम इन 50 रुपये जो हमारे पास कम है, इन 50 रुपीज़ के अंदर ही हम ऐसा कैसे मतलब करें कि जो हम 100 रुपीज़ खर्च करके सेटिस्फेक्शन लेने वाले हैं, ऐसा कहाँ हम इस पैसे को इन्वेस्ट करें जो हम इन 50 रुपीज़ को खर्च करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद हमें वो 100 रुपीज़ वाली सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो हम उसके लिए एक अलग ही प्रकार की अपने लेवल पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें उतनी या उससे थोड़ी कम भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स यही है कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स है वो तो हमारी ज़्यादा है, लेकिन लिमिटेड हमारे पास रिसोर्स होते हैं। तो ये एक प्रकार का साइंस है, एक विज्ञान है जो हमें बता रहा है कि कैसे हम अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने सेटिस्फेक्शन के लेवल को बढ़ा सकते हैं इन संसाधनों का ऑप्टिमम यूज करके। वही बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक्स है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने बात की ह्यूमन वॉन्ट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास जो है वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली? ये एक साइंस है जो हमें बता रही है क्या, हाउ टू मैक्सिमाइज और सेटिस्फैक्शन विद, ये विद जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फेक्शन तो हमें मैक्सिमाइज करनी है, लेकिन कैसे करनी है, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज से। तो विद ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। और यहां पे हम ऑप्टिमम को यदि और सिंप्लीफाई करें तो ऑप्टिमम को हम यहां पे जो है यदि हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं या तो उचित या बेहतर से बेहतर। और यदि हम इंग्लिश में इसका एक सिनोनिम हम अगर डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे कि बेस्ट टू बेस्ट। तो कुल मिला के जो इकोनॉमिक्स है वो यही है। अब इसके बाद यदि आपको ये अभी भी ना समझ में आया तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो है यदि आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो, या अर्थ इसका लिखने के लिए आ जाए तो आप बेसिकली यही लिख सकते हैं कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड
रिसोर्सेज आर लिमिटेड द साइंस दैट टेल्स अस हाउ टू मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन विद द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और अगर हिंदी में आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं और लेकिन संसाधन जो है हमारे पास वो सीमित हैं। तो वह विज्ञान जो हमें बताता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति संसाधनों के उचित या बेहतर प्रयोग से कर सकते हैं, वही वास्तव में इकोनॉमिक्स है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब इसके बाद जो हमारे इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो सेकंड नंबर में जो टॉपिक आ रहा है वो है इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये जनरल शब्द है, काफी हम सभी ने अपनी जो है डेली लाइफ के जीवन में हम इसको सुनते हैं कि इकोनॉमी, कई लेवल पर सुनते हैं, न्यूज़ पे भी सुनते हैं, न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं, टीचर्स से भी सुन लेते हैं, स्कूल में सुन लेते हैं, अपने आसपास किसी से भी सुन सकते हैं, तो काफ़ी जाना पहचाना ये शब्द है। लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में हम जो है जानने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि तीन चीज़ों को इंक्लूड करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, बाय विच या जिसके द्वारा पीपल अर्न देयर लिविंग या लोग जो है अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। तो इसे कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये क्या है, अ सिस्टम है, अ सिस्टम विच इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। एंड कंजम्पशन कौन कर रहा है, कंज्यूमर। ठीक है, तो ये तीनों जो चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। क्या है ये, एक दूसरे को डिपेंड है और एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हुई है। और इन तीनों को यदि हम मिला के इन तीनों का ही जो उद्देश्य है वो किसी न किसी लेवल पर वो क्या होता है, इन सभी तीनों का जो उद्देश्य है वो लोगों को जीविका उपलब्ध कराना, या हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कि पीपल अर्न देयर लिविंग यानी जीविका। हाँ, तो बेसिकली जो इकोनॉमी है वो यही है, ये एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इंक्लूड होता है और इन सभी का एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हुई हैं और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं। और जिन तीनों के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो लोग होते हैं वो किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी तरीके से जीविका प्राप्त कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि पीपल अर्न देयर लिविंग, ये इकोनॉमी होती है। साथ ही साथ यदि हम इसे चार्ट को भी समझना चाहें कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी वस्तु का या सेवा का या हम कह सकते हैं गुड एंड सर्विस का इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जो है कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। कंज्यूमर किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद वो उसका कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करने के बाद उसे और चाहिए, वो चीज़ और चाहिए, तो फिर वो क्या है, प्रोड्यूसर उस चीज़ की डिमांड को पूरी करने के लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन और भी ज़्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ऐसे ही ये जो साइकिल है एक दूसरे के साथ चलता रहता है। ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी भी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है, लेकिन कुल मिलाकर जो इनका उद्देश्य है या इनका एम है वो यही है कि इनके द्वारा जो पीपल हैं या जो लोग हैं अर्थव्यवस्था के अंदर वो अपनी जीविका या लिविंग इसके अंदर इससे जो है प्राप्त कर रहे हैं, वही इकोनॉमी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है वो इकोनॉमी के टाइप्स हैं।
कि इकोनॉमी तो हमने समझ लिया, इकोनॉमी क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग, इट्स कॉल्ड इकोनॉमी। देन अब इसके आते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इसके प्रकार। तो बेसिकली जो इसके प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि हम कहीं पर भी देखेंगे तो वो हमें तीन प्रकार की देखने के लिए मिल सकती है, तीन टाइप की देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट जो होती है वो होती है कैपिटलिस्ट, सेकंड जो होती है सोशलिस्ट, एंड जो थर्ड होती है वो होती है मिक्स्ड। तो ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था या तीन प्रकार की इकोनॉमी हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अलग अलग जो देश हैं वो किसी ना किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था का ही रूप है, तीनों ही प्रकार में से कोई ना कोई एक प्रकार उनका होता है। तो हम इन्हें एक एक करके समझेंगे कि कैपिटलिस्ट क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वही इकोनॉमी होती है जिसका मेन पर्पस जो है, मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। इनके लिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रोड्यूसर है उसे उसका जो सबसे ज्यादा मेन एम है वो यही है कि वो कैसे प्रोडक्शन करके कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। प्लस इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है हमारे इकोनॉमी के, प्राइवेट सेक्टर वो सुप्रीम होते हैं इसके अंदर, सुप्रीम प्राइवेट सेक्टर सुप्रीम होते हैं और यही एक वाइटल रोल जो है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर निभाते हैं। साथ ही साथ एक इसके अलावा और क्या होता है इसकी, ये एक प्रकार से हम इन्हें कह सकते हैं कि विशेषताएं भी हैं इनकी, और जब ये सारी विशेषताएं अलग अलग लिख देंगे तो एक दूसरे के अंदर अंतर भी हम देख सकते हैं। तीसरा जो इसके अंदर हम पॉइंट लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो है लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर हम जब भी देखेंगे तो वहां पर जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर और क्या नाम है ये कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो उद्योग और जो धंधे हैं वो अपने आप ही बड़े बड़े फैसले लेते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट की कुछ डायरेक्शंस तो चलो हो सकता है कि काम में ले ली जाए, लेकिन जो मेन जो रोल होता है वो इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, गवर्नमेंट का रोल इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर या कह सकते हैं लिमिटेड होता है। प्लस अब इसके बाद जो इसका फोर्थ जो अगर हम फीचर कहें या कहें कि विशेषता क्या होती है वो ये होती है कि ये स्टैंड करती है, स्टैंड फॉर दो चीज के लिए स्टैंड करती है, एक तो हो गया एफिशिएंसी और दूसरा हो गया ट्रांसपेरेंसी। एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ये जो इकोनॉमी है वो काम करती है। यहाँ पे सब कुछ हम कुछ भी देखना चाहें पूरे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर जो कंज्यूमर है या जो वहाँ के जो सिटीजन है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो सब कुछ वहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, हमें पता चल सकता है, देख सकते हैं कि कितनी एफिशिएंटली कितनी निपुणता से वो वहाँ पे जो है प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है, वो सब जैसा मुझे दिखाई दे रहा है वैसी आपको भी दिखाई देगा, तो वहाँ पे कुछ भी छुपाने योग्य चीज़ें नहीं रहती। प्लस एफिशिएंसी यानी जो बेस्ट से बेस्ट अपना दिया जा सकता है प्रोड्यूसर द्वारा वो वहाँ पे देने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की यदि हम अर्थव्यवस्था के देश अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो सकते हैं, यूएसए एंड जर्मनी एंड फ्रांस
एटसेट्रा। ये कुछ मेन फीचर्स हो गए हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। यदि आपसे कोई पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ ले, यदि आप ये चार पॉइंट वहाँ पे लिख देते हैं या बता देते हैं, यही काफ़ी होता है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में। और आप इन्हें बिल्कुल साधारण तरीके से इस प्रकार फ्लो चार्ट बनाकर भी अगर दिखाएंगे या बताएंगे तो वो बहुत ही आसानी से कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद अगर कोई सेकंड जो इसमें पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। सोशलिस्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सोशल नाम से ही पता चल रहा है, सोशल यानी समाज की बात हो रही है यहाँ पे। और जहां समाज की बात होती है वहां पर सबको लेके चलने वाली बात कही जा सकती है, या कहीं सबको साथ लेके चलने वाली एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फीलिंग दिखाई दे सकती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन पर्पस क्या हो सकता है भैया? इसका तो मेन पर्पस जो है, इसका तो मेन पर्पस जो होगा वो क्या होगा? वो होगा सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। समाज का सामाजिक कल्याण करना है ना, मेन पर्पस क्या हो सकता है इसका? समाज का सामाजिक कल्याण करना या सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, भाई जितने भी लोग बाग वहाँ पे रह रहे हैं उनमें सभी में जो है एक समानता बनी रहे और सभी एक जैसे, जब विकास हो रहा है तो वो सभी का एक प्रकार से होना चाहिए, एक जैसा हो जाना चाहिए। इसके बाद जो इसके लिए पॉइंट आता है वो आता है इसका जो फीचर कह सकते हैं हम सेकंड नंबर फीचर, इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को हम गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। ये क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हम पब्लिक सेक्टर का नाम शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है पब्लिक सेक्टर? प्लेज वाइटल रोल। जब हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर समाज के कल्याण की बात की जा रही है कि सभी को एक साथ लिए लेके चला जाए, तो अगर हम देखें कि अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी नागरिक रह रहे हैं अगर हम उनके ऊपर ही छोड़ दें तो सभी अपना अपना विकास करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मेरा अपना खुद का भला हो, दूसरों का बाद में हो सकता है लेकिन पहले मेरा होना चाहिए। ये जो है इसकी अगर हम देखें तो ये जनरल चीज़ है, लेकिन अगर सभी का समान विकास करना है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक पावर तो हमें लेकर चलनी पड़ेगी जो हम सभी के ऊपर जो है नियंत्रण रखे। तो कुल मिलाकर उस प्रकार के जो नियंत्रण को यहाँ पे स्थापित करेगी वो कौन करेगी? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट करेगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल किया क्या माना जाएगा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर? सबसे जो बड़ा रोल होगा वो जो प्ले करेगी वो करेगा पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट। इसके बाद जो इसके लिए थर्ड जो पॉइंट आता है, यहाँ पे कौन है? पब्लिक सेक्टर जो है वो वाइटल रोल प्ले करेगा, तो इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो क्या है? सुप्रीम। और ये जो स्टैंड करता है वो किस चीज के लिए करता है? स्टैंड करता है, ये स्टैंड फॉर इक्वालिटी या समानता, ठीक है। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं चाइना। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल जो है वो चाइना है। वहां पे जो है गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा नियंत्रण हम देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। जो भी वहां पे बड़े से बड़े डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। और जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए भी जो नीतियां बनेगी या जो किस प्रकार से उन्हें ढाला जाए, मतलब कुल मिलाकर वहां पर जो है प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर या कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप की इकोनॉमी होती है जो हम वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज जो है उसको भी अपनाते हैं, तो जैसे कि ये कौन सी है? ये है मिक्स्ड। तो जैसे कि हमें नाम से ही इसके पता चल रहा है मिक्स्ड, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है
मिक्स हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है या मिश्रण हो रहा है किसी भी चीज का। तो किसी भी चीज का यहाँ पे मिश्रण नहीं हो रहा, ये तो हम समझने के लिए कह सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये क्या है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों का ही मिला जुला रूप है। यहाँ पर क्या है, कैपिटलिस्ट प्रकार की या कैपिटलिस्ट नेचर की जो अर्थव्यवस्था होती है और जो उसकी विशेषताएं होती है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सोशलिस्ट जो कंट्रीज है और जो सोशलिस्ट टाइप की जो इकोनॉमी होती है उसकी जो कुछ फीचर्स होते हैं वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों का ही एक प्रकार से मिला जुला रूप है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हम देख सकते हैं कैपिटल जो इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसके कुछ उद्देश्य हमें दिखता है कि भाई वो कहीं ना कहीं हावी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वहाँ कहीं हमें ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि जो सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है, सोशलिस्ट प्रकार की जो इकोनॉमी है समाजवादी, उसके भी कुछ उद्देश्य हम देखने के लिए मिल सकते देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट इसके अंदर यही आ जाएगा कि यहाँ पर जो है बोथ टाइप ऑफ इकोनॉमी जिसमें कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है वो टाइप जो इकोनॉमी है दोनों प्रकार की, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इन दोनों का ही मिला जुला जब रूप होगा तो यहाँ पर दोनों ही सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी एंड गवर्नमेंट सेक्टर, इकोनॉमी के अंदर डिसीजंस लेते हैं, मेक्स डिसीजन लेते हैं या मेक्स पॉलिसी टुगेदर एक साथ। और इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो अपना भारत महान, इंडिया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में तीन टाइप की इकोनॉमी होती है। फर्स्ट में जो है कैपिटलिस्ट, सेकंड में सोशलिस्ट और मिक्स्ड में थर्ड होती है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में हमने समझ ही लिया है कि इसमें क्या है, जहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही हो और कॉम्पिटिशन जहाँ हमें देखने के लिए मिल जाए, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार की एक विशेषता ये भी हो सकती है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कैपिटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन में कैपिटल को सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोत्साहित किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और लिमिटेड रोल जो होता है इसके अंदर गवर्नमेंट का। साथ ही साथ ये जो है एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टैंड करती है। एग्जाम्पल में इसके यूएसए, जर्मनी एंड फ्रांस हम कह सकते हैं। साथ ही साथ फिर अगर हम देखें सोशलिस्ट, तो मेन पर्पज क्या है भैया, समाज की बात हो रही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात है। प्लस पब्लिक सेक्टर जो है यानी गवर्नमेंट सेक्टर प्ले क्या करता है, वाइटल रोल, बहुत बड़ी भूमिका है उसकी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में। और गवर्नमेंट क्या होती है इसके अंदर प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर, वो सुप्रीम होती है, बड़ी वही है, सबसे ज़्यादा डिसीजन जो लेगी वो वही लेगी, तो सभी प्रकार की जो नीतियाँ होंगी वो वहीं से पास होके आनी है। स्टैंड किस चीज़ के लिए करती है, इक्वालिटी के लिए। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल चाइना है इसका, जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, और अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही उन्होंने ये डिसीजन बदला है अपना कि वहाँ पे दो बच्चा कानून जो है अपना गया, वरना उससे पहले उन्होंने इस प्रकार की उनकी नीतियाँ थी
कि वहाँ पे केवल एक ही बच्चे का कानून था, वो सभी हम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बाय द वे उसे छोड़िए। बाकी थर्ड टाइप में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में क्या है, मिक्स मतलब मिक्सचर, हमें मिक्स से ही समझ जाना है कि यहाँ पे मिक्सचर हो रहा है, किस चीज़ का मिक्सचर हो रहा है, मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। साथ ही साथ बोथ टाइप ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर मेक्स पॉलिसी टुगेदर। एक साथ ही यहाँ पर दोनों ही प्रकार की ये जो अर्थव्यवस्था है, ये दोनों ही साथ मिलकर नीतियाँ बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल इसका इंडिया है, बस यही टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। यदि आपको ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आज हम इस सेशन में करेंगे वो एक लास्ट टॉपिक होगा इस सेशन का, और उसके बाद हम आगे इससे अगला सेशन जो पार्ट नंबर 2 होगा उसके बारे में वीडियो डालेंगे और समझेंगे। आशा करता हूँ आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। किसी को भी कोई भी डाउट हो या जो भी आपको कहीं का लग रहा है कि सर आपका जो तरीका है वो आप थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए या कुछ और चेंज कीजिए, आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे ये कैसे क्या हूँ मैं। एक लास्ट टॉपिक अब हम समझ लेते हैं इस सेशन के अंदर। लास्ट टॉपिक इसके अंदर है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी यानी दुर्लभता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो इसके बारे में कि स्केयरसिटी क्या होती है, लेकिन अगर हम इसे इकोनॉमिक्स के टर्म में समझने की कोशिश करें तो वहाँ पे हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में स्केयरसिटी क्या होती है। तो स्केयरसिटी बेसिकली कुछ नहीं है, स्केयरसिटी इज वेयर वेन वेयर जहाँ पर जो है डिमांड हमेशा ही जो है सप्लाई से ज़्यादा होती है, जैसे कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ये होती है, ये बात कही जाती है और ठीक भी है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि डिमांड तो सप्लाई से ज्यादा होगी लेकिन वो कहाँ, इवन एट जीरो प्राइस। ये भी बात आपको बतानी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी, जीरो प्राइस। तो जीरो प्राइस यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, कोई भी चीज है, मान लीजिए बिस्किट है, उसकी डिमांड कब कब तक ज्यादा हो सकती है, जब तक वो सस्ता है, लेकिन जिस दिन वो महंगा हो गया उस दिन से उसकी जो डिमांड क्या है, वो डिमांड जो है नीचे आनी हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जैसे कि एयर है या वाटर है, ठीक है, इनकी जो डिमांड है वो हमेशा ही सप्लाई से क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और इसके ऊपर प्राइस का भी कोई फर्क नहीं पड़ना। वैसे तो ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है हमारे लिए, हवा भी और जो है पानी भी, लेकिन यदि ये चीजें बिकने भी लग जाएं, अगर दोनों जैसे कि हम देखते हैं पानी तो बिकता है, बिस्लरी या किनले की अगर हम बोतल लें तो 20 रुपए लीटर या 30 रुपए लीटर या बहुत भी और भी ज्यादा कंपनीज है तो वो तो बिक रहा है, लेकिन क्या है वो इसलिए बिक रहा है उसकी डिमांड फिर भी जो है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है प्राइस का कोई भी इसके ऊपर प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के घटने से इसकी डिमांड में कभी भी कमी नहीं आ सकती। ये चीजें एसेंशियल चीजें होती हैं जो लाइफ को आगे चलाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये जो एयर हो गया, वाटर हो गया, इसकी डिमांड जो है जीरो, जब इसका प्राइस जो है अगर हम मान लो जीरो भी है, और फिलहाल तो वैसे जीरो या जीरो में अगर मान लो एयर है, इसके लिए तो हम कुछ भी पे नहीं कर रहे। यदि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि भैया ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का भी खर्चा आपको अलग से देना होता है, पे करना होता है, तो क्या है उसकी, और वो हमें लेना जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो ये क्या है, इसकी डिमांड में कभी भी कमी नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि स्केयरसिटी क्या है, स्केयरसिटी हम कह सकते हैं व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई इवन एट
जीरो प्राइस, जीरो लिखना हमारे लिए जरूरी है और बताना जरूरी है जिससे कि हम स्केयरसिटी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी बात कर चुके हैं ऐसी हैं जिनके ऊपर प्राइस के बढ़ने और घटने से उनके डिमांड में हमेशा ही फर्क आना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी एसेंशियल हैं एयर और वाटर जैसी, उसके चाहे कितना भी प्राइस हो जाए वो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए, उसकी डिमांड में कभी कमी नहीं आ सकती, तो इसलिए वो स्केयर भी हैं, वो दुर्लभ भी हैं हमारे लिए। ऐसी कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारी इकोनॉमी के अंदर स्केयरसिटी उनकी हमेशा बरकरार होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम कह सकते हैं, वो एक प्रकार से अभी तो स्केयर नहीं है लेकिन स्केयर वो एक आने वाले टाइम पे हो सकते हैं और उनकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही जाएगी, सप्लाई उतनी हो नहीं पाएगी, तो इसलिए स्केयरसिटी इकोनॉमिक्स में हमारे लिए यही जो महत्व रखता है, जब हमारी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है यहाँ तक कि जीरो प्राइस के ऊपर भी। तो इससे आगे का जो भी सेशन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।